पढ़ेंगे खबरों में आगे बात कवर्धा की करेंगे। कवर्धा जिले में विकास के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत तो हो रहे हैं, लेकिन पैसा का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण बोडला दलदली मार्ग पर देखा जा सकता है। मामला सड़क निर्माण का है। साल 2015 में लगभग 130 करोड़ की लागत से बोडला दलदली मार्ग निर्माण कार्य शुरू किया गया। 41 किलोमीटर के इस सड़क को 2 साल में पूरा किया जाना था, लेकिन 2 साल बाद भी आपको बता दें कि मात्र 14 किलोमीटर ही सड़क बन पाई है। जो सड़क बनी है उसकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सड़क निर्माण को लेकर पिछले साल आपको बता दें कि सड़क परिवहन मंत्री राजेश मूणत और इस साल खुद मुख्यमंत्री ने स्वराज अभियान के दौरान 2 दिन पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों को ठेकेदारों पर नाराजगी उन्होंने जाहिर की और जल्द से जल्द सड़क निर्माण को पूरा कराने की भी बात कही, लेकिन जिस प्रकार से काम चल रहा है उससे लगता नहीं कि आने वाले 2 साल में भी इस सड़क का कार्य पूरा हो जाएगा। सरकार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसका साफ उदाहरण है कि पिछले बार लोक सुराज अभियान में बैजलपुर कैंप में राजेश मूणत सड़क परिवहन मंत्री से शिकायत किया गया है कि दलदली मार्ग जो है वो गुणवत्ता विहीन बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत माननीय मोहम्मद अकबर मोहम्मद जी ने किया था। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ और इसका एक साफ उदाहरण है कि जब सीएम साहब स्वयं उसकी गुणवत्ता का निरीक्षण कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं बना रहे हैं, इसका साफ उदाहरण है कि पूरे सरकार भ्रष्टाचार के कारण डूबा हुआ है और कहीं न कहीं लोगों का ऊपर से नीचे तक की मिली भगत। बोडला दलदली मार्ग निस्संदेह काफी निर्माण कार्य में इसमें काफी विलंब हुआ है। अभी वर्तमान में यह सड़क जो है 40 किलोमीटर में से 14 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य हो चुका है और इसमें लगातार ठेकेदार जो एजेंसी है इसके ऊपर काफी कड़ाई बरती है। पिछले दिनों इनके ऊपर एसडीएम सर से मेरे कहने के बाद में कार्रवाई भी हुई थी। अभी भी जो है इनको अंडर नोटिस इनको दिया गया है और लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसकी सड़क को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। प्रदीप गुप्ता संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। प्रदीप, कवर्धा में तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं कि नक्सली यहाँ पर रोड़ा अटका रहे हों, फिर क्या दिक्कत है कि अभी तक 2 साल में सिर्फ 14 किलोमीटर ही सड़क बन पाई जबकि 41 किलोमीटर बननी थी? तो बताना चाहूंगा कि जिन तरह से जो 2015 में जो टेंडर हुआ था कि दलदली से बोडला तक जो है 41 किलोमीटर का सड़क जो निर्माण होना था वो 2 साल में भी ठेकेदार ने पूरा नहीं कर पाए हैं। महज 2 साल बीत जाने के बाद भी मात्र 14 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है और इस सड़क में काफी व्यस्त सड़क है। लगभग 500 से ज्यादा ट्रकें यहाँ चलती है, उसके बाद भी यहाँ ठेकेदार जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं और ये इसके जो है सड़क को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री भी इस पर नाराजगी जताई थी। इसके बावजूद भी यहाँ के जो ठेकेदार हैं और जो यहाँ के अधिकारी हैं वो सड़क को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सड़क को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं। कहीं कहीं ये जो है ठेकेदारियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और बड़ी एक लापरवाही कहा जा सकता है क्योंकि प्रदीप ऐसी क्या वजह है कि इस ठेकेदार को अभी तक गले की घंटी जो है बनाकर घूम रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, क्यों इसको हटाया नहीं जाता जब 2 साल में ये कार्य पूरा नहीं कर पाया, शासन पैसा लगातार दे रहा है बावजूद इसके यहाँ ढिलाई बरती जा रही है, फिर कब करेगा ये कार्य पूरा? देखिए ये जो लापरवाही जो चल रही है ठेकेदार और ये अधिकारियों की मिली भगत से ही ये जो कछुए की चाल पे जो सड़क निर्माण चल रहा है ये कहीं कहीं ठेकेदार और ये अधिकारियों की मिली भगत। गुलशन अरोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठेकेदार हैं इस कंपनी के। गुलशन अरोरा जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। अरोड़ा साहब स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस। हाँ धन्यवाद, बताइए। ये जो सड़क बननी थी अभी तक क्यों नहीं बन पाई, 14 किलोमीटर की सड़क बन पाई है, क्या वजह है, कहाँ दिक्कतें हो रही हैं? नहीं 15 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। चलिए ठीक है 1 किलोमीटर और सही, 15 बन गया हो, 41 किलोमीटर बननी थी जी और 25 किलोमीटर अभी बची है जी 40 किलोमीटर में से जी, तो बीच में इसकी दिक्कतें थी। ये तो बैक टू बैक में दिया हुआ था सिंपली, नहीं आपको 2 साल का टारगेट था ना, 2 साल में क्यों बना के नहीं दिया आपने? हाँ हाँ 2 साल में नहीं हो पाई, कुछ बहुत सारी मतलब इंटरनल दिक्कतें थी उसमें जी। नहीं आदेश आपको सड़क बनाने का निर्माण सरकारी विभाग की तरफ से मिला और दिक्कतें कहाँ आ गई फिर, क्या नक्सलियों ने यहाँ उत्पात मचाया था? नहीं नहीं नक्सलियों को कुछ नहीं था।
फिर कहाँ दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, प्रशासन के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, कि मिलीभगत चल रही है, अपने मन मर्जी से काम हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। ये व्यस्ततम मार्ग है साहब, क्यों इसको जल्दी से पूरा नहीं कराया जा रहा है? नहीं, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो पहाड़ी था वहाँ पे, एक तो क्या है हमारा पहाड़ी इलाके में जो रॉक कटिंग था अभी, वो रॉक कटिंग भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। और कलवर्ट भी करीबन हमारी 60 कलवर्ट पूरी हो गई है जी। और ब्रिज भी हमने सारे टेकअप कर लिए हैं, 3 कंप्लीट भी हो चुके हैं और 4 इन प्रोग्रेस में है जी। तो ये मई तक हमारे और 6 ब्रिज हो जाएंगे। आप अनुमान लगाइए, अगर 2 साल में आप 15 किलोमीटर सड़क बनाकर दिए हैं, तो आने वाले वक्त में आप कितना सड़क बना के देंगे? क्या और 4 साल चाहिए आपको? चुनावी वर्ष है जी। वो जो डामर का काम है, डामर का काम का ही कैलकुलेशन में ले रहा हूँ मैं 16 किलोमीटर को। उसके अलावा जो प्रोग्रेस वर्क है जी, जैसे GSBWMM फाइनल स्टेज में आ चुका है जी, हमारा क्या है कि 23 किलोमीटर तक हम पहुंच चुके हैं, बीच बीच में टुकड़े बचे हैं। जैसे टुकड़े की मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था, नाराजगी जाहिर की है उन्होंने। हाँ हाँ, गर्दिश में है आपके सितारे। हाँ, वो बताया हमने कि हम कैसे भी कोशिश करके इसको बारिश से पहले खत्म करेंगे। कुछ क्रिटिकल स्टेज बचेंगे, बाकी मैक्सिमम खत्म हो जाएगा जी। क्रिटिकल है सारे गाँव से आगे तक। हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द ये तैयार हो जाएगा रोड बनकर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि अगर रोड तैयार नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी कंपनी आकर यहाँ तैयार करने में लग जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रोड को जल्द से जल्द बनाइए, ठेका आपको मिला है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।